आपका कि पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? आप सर्च करके आए क्या? बोलो सर। 8 मिनट 15 सेकंड। 8 मिनट 15 सेकंड। 15 सेकंड परफेक्ट है ये? यस सर। और कोई, क्या नाम है आपका? आर्यन चंदेलवाल। आर्यन, आर्यन के अलावा कोई और बता सकता? आर्यन के अलावा कोई और है? नहीं है। परफेक्ट टाइम लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। परफेक्ट टाइम है सूर्य को, हाँ, सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है उसका ये परफेक्ट टाइमिंग है। ये परफेक्ट टाइमिंग, ये जो है उसको बार बार टच मत करो, वो अपने आप आ जाता। हाँ, अब उसको ऐसे ही पर रहने देना। तो उसको जो आने में जो परफेक्ट टाइम लगता है उसको 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। इस समय बहुत कोशिश करें, सही करें। फिजिक्स का है तो तुम लोगों को फिजिक्स में कभी कभी पूछते होंगे कितना समय लगता है, ये सारी चीजें फिजिक्स की हैं। आप लोग मुझे ये बताइए, अपने यहाँ पर जो साइंस पार्क बना हुआ है, आज मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को भी जानकारी देना चाहता हूँ, तो साइंस में रुचि रखते हैं कि नहीं रखते आप? Yes, sir. रखते हैं। पक्का? Yes, sir. तो साइंस में जो रुचि रखते हो तो एक तो साइंस के वो बताओ फिर मुझे, क्या क्या देखे आप साइंस पार्क में? हाँ, हम जब से आए साइंस पार्क में जाने का मौका नहीं मिला। नहीं मिला? Yes, sir. पता फिर भी आपको मालूम है, देख जाते हैं। यस सर, अभी एक दो चीज मालूम है सर। क्या मालूम है सर? वहाँ पे जो व्हाइट कलर का रिंग है सर, एक मिनट, एक एक करके बोलोगे आप सर? उसमें जो व्हाइट कलर का इतना बड़ा रिंग है उसके सामने एक ब्लैक कलर का छोटा सा रिंग है, जब उसमें अपन कुछ बोलते हैं तो व्हाइट वाले रिंग से आवाज होगी, उसमें अपन धीरे से बोलते हैं तो उसमें बहुत। ये आपका कहना ये है कि एक रिंग यहाँ पर है स्टैंड, और एक स्टैंड जो है वो यहाँ पर है, और आप इस स्टैंड में कुछ वॉइस छोड़ते हो तो इस स्टैंड पे आपको सुनाई देगी। ओके, यही कहना चाह रहे हो? यस सर। आप ये जो है ये आप मुझे बता सकते हो किसका सिद्धांत है? कौन से वैज्ञानिक ने, किसी वैज्ञानिक ने दिया होगा तभी तो हम उसको कर पाए। बता सकते हो क्या? यही चीजें तो मैं आपसे पूछ रहा था। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम साइंस पार्क में जाओ और साइंस पार्क में जाके तुम लोहे की स्टीलें देखो, प्लास्टिक की देखो, ये थोड़ी देखने को बोलते हैं। आपसे ये बोला जाता है कि ये किसने दिया, इस पर बराबर आपकी सर्च हो, कमांड हो, आपको जानकारी हो, तभी तो आपको वो मालूम हो। एक और देखा होगा आपने, सेंटर, बैठो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब एक आपका पॉइंट इस तरीके का बना होगा, इस तरीके का एक पेंडुलम होगा, उस पेंडुलम पे एक आपका सर्किल बना होगा, एक आपका इस तरीके से गोल पॉइंट बना के उस पर बेलन रखा होगा, ऐसे वो बेलन आपका यहां पर धार होगा, यहां नीचा है और यहां भी नीचा है, लेकिन ना यहां रुक रहा हो ना यहां रुक रहा, ये सेंटर पर रुकता होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी वैज्ञानिक ने दी थी, जिसमें आपकी दो प्रकार की ग्रेविटी होती है। एक ग्रेविटी आपकी कौन सी होती है? जो नीचे होती है जमीन पर, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। कोई चीज ऊपर से गिरती तो वो कहां आती है? सीधा नीचे आती, जैसे ये सीधा नीचे आ रही है। दूसरा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि दोनों पॉइंट के बीच की जो ग्रेविटी होती है उसको मापना। कल मैं आप लोगों को साइंस पार्क दिखाऊंगा, जो क्लास भी ले रहे हैं उनको भी साइंस पार्क में लगभग लगभग आपके
30 के आसपास मॉडल है, कितने मॉडल है 30 के आसपास मॉडल है, 25 से 30 मॉडल है। मैं सारे मॉडल एक एक करके ऑनलाइन जो क्लास पढ़ रहा है इलेक्ट्रिकल वाले उनको भी लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है वो, उनको भी बताऊंगा, और प्लस आप जो ऑफलाइन क्लास ले रहे हो उनके लिए भी मैं आपको कल घुमाऊंगा, सभी लोगों को दिखाऊंगा। एक एक चीज का अपन बारीकी से वर्णन करेंगे, उसके वैज्ञानिक को समझेंगे, उसने क्या बताया हमारे लिए, उससे क्या फायदा है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से, मतलब आपकी विद्युत धारा के प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो विद्युत धारा के बारे में कल हमने जो पढ़े थे वो पढ़े थे हम किसके बारे में, कि किस चीज से किस चीज की माप करते हैं इकाई, ठीक है। आज जो पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के प्रभाव, पॉइंट आपका क्या है, विद्युत धारा के प्रभाव, इसको आज हम समझेंगे। जो आपका विद्युत धारा के जो प्रभाव है उसके अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आपका क्या है, विद्युत धारा के प्रभाव होता क्या है, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो यह विभिन्न प्रभावों को प्रदर्शित करता है। वो आपसे ये कह रहा है कि जब किसी परिपथ में, परिपथ मतलब एक आपका सर्किट है, और जब किसी परिपथ में, जब किसी परिपथ, परिपथ का मतलब होता है सर्किट, सर्किट मतलब जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसकी बात कर रहा, जब किसी परिपथ, परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी, किसकी बात कर रहा, जब किसी परिपथ में इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा प्रभावित होती है तो यह विभिन्न प्रकार के प्रभावों को प्रदर्शित करती है। विभिन्न प्रकार के जो प्रभाव हैं वो प्रभाव कौन कौन से हैं, जैसे रासायनिक प्रभाव हो गया आपका, ऊष्मीय प्रभाव हो गया, चुंबकीय प्रभाव हो गया, इस तरीके के जो प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जैसे रासायनिक प्रभाव, रासायनिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक हो गया, चुंबकीय हो गया आपका, गैसीय प्रकार का हो गया, कौन सा, गैसीय प्रभाव। ये जो प्रभाव होते हैं या इनको जो इफेक्ट करती, प्रभावित करती है, उन्हीं की चर्चा कर रहा है आपसे, ठीक है। उनके बारे में हम पढ़ लेंगे कि जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो ये प्रभाव किस प्रकार से होते हैं या क्या करते हैं, उनको हम समझेंगे। कैसे समझेंगे उनको, वो आगे, अभी नोट नहीं करना, अभी आपको समझना है। नोट तो दिन भर यूट्यूब पे इतनी क्लास पड़ी हुई हैं या इतनी सारी, मतलब आपको ऑफलाइन में भी क्लासें मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन एक बार आप समझ गए तभी तो आपको पता चलेगा। विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के प्रभाव क्या बोलता है, जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा जाता है तो उसमें कई प्रकार के प्रभाव होते हैं, वही आपका विद्युत धारा का प्रभाव है, इलेक्ट्रिक प्रभाव, इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। अब जो प्रभाव होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो प्रभाव सबसे पहला हमारा जो प्रभाव है नंबर एक वो कौन सा है, रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ये जो है रासायनिक प्रभाव जिसको हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट, क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट। ये जो होता है जब विद्युत धारा को इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट, अब आपसे बोल रहा है वो कुल मिलाकर एक ऐसा वस्त्र, ऐसी चीज की बात कर रहा है जो आपका इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट, कभी आप पढ़े होंगे 11 12th में रहता है ये चीजें, तो जब आप पढ़े होंगे तो उसमें इफेक्ट प्रभाव की बात कर रहा, दो प्रकार की छड़ होती है, एक होती है एनोड और एक होती है कैथोड, उन छड़ों की बात कर रहा, तो उसमें आपको बोल रहा जब विद्युत धारा को इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का घोल, ये घोल जो है ये किसका घोल है, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट के घोल में, क्या बोल रहा आपसे,
कॉपर सल्फेट का घोल से गुजारा जाता है तो इलेक्ट्रॉन और तांबे के धनात्मक आयन दोनों विद्युत धारा के प्रभाव का कार्य करते हैं। कौन कौन सी चीजों की बात कर रहा है वो? दो चीजों की बात कर रहा है। दो कौन कौन सी चीजें हैं? एक है आपका कॉपर सल्फेट का घोल और दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन। मतलब आपका ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी को यहां से गुजारा जाता है तो कॉपर सल्फेट और इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट और इलेक्ट्रोलाइट ये दोनों आपका जो करते हैं वो कौन सा प्लस आत्मक मतलब पॉजिटिव का वर्क करते हैं। कौन से का वर्क करते हैं? पॉजिटिव का वर्क करते हैं, विद्युत धारा के प्रभाव का कार्य करते हैं। इनका यूज काय में किया जाता है? तो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, मेटल रिफाइनरी आदि में। काय काय में किया जाता है? बैटरी चार्जिंग, डीसी की बात कर रहा हूं वो कुल मिलाकर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब होता है आपका धातु शोधन, धातु शोधन। ये जो चीजें बोल रहा है ये आपसे कुल मिलाकर डीसी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा? डीसी की बात कर रहा। कुल मिलाकर वो आपसे ये कह रहा है जैसे सेल जो होता है, कौन सा सेल, सेल कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो रासायनिक एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? डीसी प्रकार की। डीसी प्रकार की कौन सी? मतलब कह सकते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब आपका रासायनिक प्रभाव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता विद्युतीय एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? विद्युतीय एनर्जी में। विद्युतीय एनर्जी का मतलब होता आपका डीसी की बात चल रही है। अगर इसी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता या इसी को यह है जो कहना चाहिए यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता तो आपकी किसकी बात चल रही होती? एसी की बात चल रही होती। यहीं पर आपका आता है ऊष्मीय प्रभाव जिसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। यह आपका कौन सा प्रभाव है? रासायनिक प्रभाव है। दूसरा है आपका कौन सा? ऊष्मीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव जो होता है या जिसको हम बोलते हैं उसमें जो प्रभाव जो चलता है या जिसका जो वर्क होता है वो किस प्रकार से करता है तो उसके बारे में हम समझेंगे। ऊष्मीय प्रभाव मतलब हीटिंग इफेक्ट। दूसरा जो हमारा है ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव ये क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव वह होता है जब चालक में विद्युत धारा के प्रभाव के दौरान प्रतिरोध, चालक में, किसकी बात कर रहा? चालक में। चालक मतलब कोई कंडक्टर, कंडक्टर है उसी को हम चालक कहते हैं। क्या बोल रहा वो? चालक में पॉइंट क्या कह रहा उसको समझना। चालक में विद्युत धारा के प्रभाव के दौरान प्रतिरोध इसके प्रभाव को ब्रोक करता है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब वो यह कह रहा है कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब आपका ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपके दो पॉइंट, यहां से मैंने आपका एक फेस दिया और एक न्यूट्रल दिया। अब ये सर्किट यहां से चालू हुआ आपका, यहां से इसको क्या दी मैंने? सप्लाई दी, ठीक है, सप्लाई दी आपकी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर चल रही है। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो इस इलेक्ट्रिसिटी में प्रतिरोध, प्रतिरोध का जो रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यह रेजिस्टेंस उसका क्या कर रहा है? गुजरने पर ब्रोथ कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्रोथ कर रहा, मतलब वो अपने में से उसको निकलने नहीं दे रहा। कौन? रेजिस्टेंस। जब वो रेजिस्टेंस उसको अपने में से गुजरने नहीं दे रहा, उसका ब्रोथ कर रहा है, तो उस स्थिति में आपका क्या हो रहा है कि ये यहां पर क्या है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये उसको निकलने नहीं दे रहा और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस उसको क्या कर रहा? रोक रहा है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, रेजिस्टेंस उसका क्या कर रहा? ब्रोक कर रहा। जब दो चीजें आपस में एक दूसरे का ब्रोक कर रही है तो वहां पर आपका हीटिंग इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। जब वहां पर आपका हीटिंग इफेक्ट होगा तो यही आपकी क्या है? ऊष्मा उत्पन्न होगी। उसी की बात कर रहा वो ऊष्मीय प्रभाव, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा। इसका यूज काय में किया जाता? विद्युत स्त्री, मतलब आपका जो विद्युत प्रेस है
विद्युत प्रेस, आपने कभी कपड़ों पर प्रेस किया है? उसकी बात कर रहा। दूसरा आपका हीटर, हीटर जिससे हम खाना बनाते हैं उसकी बात कर रहा। अब मुझे आप बता सकते हो क्या हीटर विद्युत प्रेस इनमें कौन सी क्वाइल का यूज किया जाता है? कौन सी क्वाइल का यूज किया जाता है? बताओ जल्दी। जो क्वाइल लगी होती है वो कौन सी क्वाइल होती है? ऊष्मीय प्रभाव में। जल्दी बताओ। नहीं है पता। इलेक्ट्रिक लैंप भी ले लो आप। लैंप समझते हो? लैंप 100 वाट का सूर्य बल्ब जानते हो गे ना? कि नहीं जानते हो? एलईडी तो अभी आई है, पहले तो सूर्य ही बल्ब चलता था। अच्छा ये बताओ, एक एलईडी बल्ब है और एक बल्ब है, ठीक है? एक एलईडी बल्ब है व्हाइट कलर का और एक पीले कलर का या सफेद कलर का, जो मतलब पीले कलर का लाइट देता और सफेद कलर का जो बल्ब होता वो इतना बड़ा है, जिसको हम 0 वाट का बल्ब कहते हैं। जब कभी छोटे हो गए तो आपकी मम्मी वगैरह कहती होगी कि 0 वाट का बल्ब लेकर आ जाना, तो एक छोटा सा बल्ब लाते हो गए, और एक मान लो इतना बड़ा एलईडी बल्ब है, ठीक है? सीएफएल की बात नहीं कर रहा हूँ, एलईडी बल्ब की बात कर रहा हूँ। इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत कौन करेगा? 0 वाट। 0 वाट का बल्ब क्यों करेगा? ज्यादा वाट का होता तो वो तो तुम 0 वाट का कैसे लाते हो दुकानदार से? ऐसे बोलते हो ना कि 0 वाट का बल्ब दे दे। 0 मतलब क्या होता? शून्य। और शून्य का मतलब ये होता कि उसमें कुछ है ही नहीं है। 0 मतलब बिल्कुल 0, कुछ भी नहीं। जैसे तुमने देखा होगा टाटा ने एक नैनो कार बनाई थी, नैनो मतलब बहुत छोटी कार, उसके बाद कोई कार ही नहीं है उससे छोटी। तो ऐसे 0 वाट का बल्ब तो है लेकिन वो 0 है, और एक एलईडी बल्ब है वो आपका लगभग आपका 9 वाट का है। कितने वाट का है? 9 वाट का। तो इस समय सबसे ज्यादा सप्लाई का मतलब बिल किसका ज्यादा? 9 वाट के बल्ब का आएगा, 0 वाट के बल्ब का। पहले तो आप ये बताओ जो 0 वाट का बल्ब होता है वो कहना चाहिए कि आपका कितने वाट का लाते थे? आपने कभी जब लाते हो गए तो देखते थे उसको उल्टा के ये कितने वाट का? 6, 5, 6, 2 कभी देख लो। 25 वाट का रहता था। कितने वाट का रहता था? 25 वाट का। लेकिन फर्क ये था कि उससे छोटा कोई बल्ब ही नहीं मिलता था। जब हम खरीद के लाते थे और दुकानदार से बोलते थे कि 0 वाट का बल्ब दे दे, तो वो हमको 0 वाट का तो दे देता था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो 0 वाट का था, लेकिन उसका जो वाट था वो कितने वाट का था? 25 वाट का। और यहाँ हमारी 9 वाट की एलईडी बल्ब जो होती है वो हमारे पूरे कमरे को रोशन कर देती है, तब भी वो हमारे उससे 3 गुना लगभग कितना? 3 गुना, 2.78 के आसपास, 3 गुना के आसपास वो हमारे इससे बड़ा रहता था, रहता था। लेकिन उसको हम बाथरूम में लगाते थे तब भी ढंग से नहा नहीं पाते थे, और इसको हम घर के हॉल में लगा देते तब भी यस करते, है ना बोल है कि नहीं? अब मैं आपसे जो पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था, विद्युत प्रेस और हीटर इन दोनों में एक एक क्वाइल लगी होती है। क्या लगी होती है? क्वाइल। और वो जो क्वाइल होती है उस क्वाइल को आपने देखा होगा गर्म होती है, रेड कलर की होती गर्म होती है, वो क्वाइल किस इंस्ट्रूमेंट की बनी होती है? कॉपर। कॉपर की बनी होती। कॉपर में ये सप्लाई तुम दे रहे हो इसको, जब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाता हूँ तो क्या ऐसा होता गर्म होती हो? बताओ जल्दी। नहीं है पक्का? जल्दी बताओ। नाइक्रोम की होती है, नोट कर लेना। नाइक्रोम। नाइक्रोम।
किसकी बनी होती है? नाइट्रोम की। और बल्ब, बल्ब मतलब आपका जो सूर्य बल्ब जो होते थे, जो पीले कलर का जो लाइट देते थे, उन बल्बों में जो आपका एक बल्ब होता था, उस बल्ब में अगर आपका इस बल्ब में जो एक कॉइल लगी होती इस तरीके की, ये किसका, ये जो जो कॉइल होती थी वो किसकी होती थी? टंगस्टन। टंगस्टन ये जो कॉइल डली होती बल्ब में वो किसकी बनी होती है? टंगस्टन की लगी होती है। और इसमें जो गैस भरी होती है वो कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस। कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस। और यहाँ पर हीटर में जो कॉइल का यूज किया जाता है वो कौन सी कॉइल का किया जाता है? नाइट्रोम कॉइल का। इसके बाद में आपका आता है आगे के जो पॉइंट आते हैं वो आता है आपका चुंबकीय प्रभाव, मतलब मैग्नेटिक फ्लो इफेक्ट जो होता है आपका चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। आगे हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर का जो आपका है चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक इफेक्ट। चुंबकीय प्रभाव, ये तो आप लोग पहले तो ये बताओ ये चुंबकीय प्रभाव दिया किसने था? वैज्ञानिक का नाम क्या था? माइकल फैराडे। कौन था? माइकल फैराडे। इसने क्या किया था? चालक में विद्युत धारा के प्रभाव के दौरान, क्या बोलना है? चालक, चालक मतलब कंडक्टर। सब कहीं आपकी कंडक्टर की बात हो रही है, जिसमें कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वो जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है, वह हमारा क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। यहां पर क्या बोल रहा है हमसे? चुंबकीय प्रभाव चालक में विद्युत धारा के प्रभाव के दौरान धारा प्रभाव की दिशा, किसकी बात कर रहा? धारा प्रभाव की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब आपसे ये कह रहा है चालक में विद्युत धारा के प्रभाव के दौरान धारा की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दो चीजें बहती, एक आपका बहता करंट और दूसरा बहता वोल्टेज। वो इसकी बात कर रहा है कि किसी चालक में चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक में जो प्रभाव पड़ता है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो लंबवत में जो आपका बनता है वो आपका चुंबकीय प्रभाव कहलाता, मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। उदाहरण के लिए आपका है विद्युत घंटी। क्या है? विद्युत घंटी। ये आपकी उदाहरण के लिए है। इसमें जो आपकी कॉइल वगैरह है ये आपकी किसकी लगी होती है? ये जो कॉइल बनी होती है वो लगी होती है आपकी किसकी? ये जो कॉइल बनाकर हम जिसको चलाते हैं वो कॉइल्स के ही द्वारा आपका मैग्नेट जो बनता है, जो कॉइल वगैरह लगा के मैग्नेट की बना के इसमें जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है लंबवत होती है। वो कैसी होती है? लंबवत होती है। लंबवत मतलब सर्किल, उसमें लंबाई में, लंबाई ठीक है, सर्किल में नहीं होती। अब आगे आता है आपका, इसके बाद जो आता है यहां से आपका पॉइंट खत्म होता है। आगे जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे या कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। अब आपका आ जाएगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेटर जिसको हम बोलते हैं, ये चीजें आपकी तीनों चीजें पढ़ेंगे। यहां तक जो हम पढ़ रहे थे वो आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, वो आपका यहां तक है। कल से मैं आपको, कल जो आपका थोड़ा बहुत जो क्लास रहेगी कल, उसमें मैं आपको चाह रहा हूं कि आपको साइंस के भी कुछ दिखाऊं, कल लेकर चलूंगा। क्या है कि आपको ध्यान नहीं होगा, कल जब मैं आपको दिखाऊंगा तो साइंस के एक एक पॉइंट को, जो लगभग 30 से 35 प्रोजेक्ट बने हुए हैं, अपन उसमें से एक एक प्रोजेक्ट के बारे में लाइव समझेंगे, उसको देखेंगे क्या होता, किस तरीके से वर्क करता, उसको कौन से वैज्ञानिक ने बनाया है, उसको बीच बीच में हम समझेंगे, ठीक है। जब तक के लिए नमस्कार।